हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो किसान सम्मान निधि योजना के ऊपर बनाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो सरकार 6,000 रुपये प्रति साल किसानों को दे रही है, जो कि आवेदन करा चुके हैं किसान सम्मान निधि योजना में CSC के माध्यम से, या ऑफलाइन भी आवेदन करवा चुके हैं वो 6,000 रुपये प्रति साल सरकार से लेने के लिए। तो वो जानते होंगे किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता देने वाला हूँ, अगर आपने ऑनलाइन करवाया हुआ है किसान सम्मान निधि योजना लिए, तो आपका अगर अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे कि आपका किसान सम्मान निधि योजना जो आवेदन है सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको चलना होगा आपके क्रोम ब्राउज़र पे। जैसे आप अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने वाला हूँ। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, टिक लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आपको सर्च बार में लिखना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। जैसे मैं टैप कर लेता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे सर्च बार पे टैप कर लिया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने में ऐसा ऑप्शन नज़र आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का लिंक आ चुका है यहाँ पे वेबसाइट ओपन होने के लिए। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों आपके सामने में ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आप इसको एड को हटा सकते हैं, यहाँ पे कट का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ हटा देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने में ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है किसान सम्मान निधि योजना के। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि विभाग बिहार सरकार विकास भवन न्यू सचिवालय पटना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो इस मैं जो बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो दोस्तों जब आप पंजीकरण करवाए होंगे, तो आपको एक रिसीविंग दिया होगा जिसमें आपका नाम होगा और पंजीकरण का आईडी होगा। तो दोस्तों उस आईडी से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे पंजीकरण को चेक करने के लिए, आपका आवेदन को चेक करने के लिए सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है ये आवेदन की स्थिति आवेदन प्रिंट। तो दोस्तों यहाँ पे आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहाँ पे आवेदन की स्थिति आवेदन प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो थोड़ी सी ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों आपके सामने में फिर से एक नई इंटरफेस नज़र आएगी। तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने में ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है चेक अप्लीकेशन स्टेटस फॉर PM किसान सम्मान निधि योजना। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च ये जो दिखाई दे रहा है, तो इस पर यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपका जो पंजीकरण जो आईडी होगा, उस पंजीकरण आईडी को यहाँ पे फिल करेंगे। जब आप यहाँ पे पंजीकरण आईडी को फिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च वाली आइकॉन पे क्लिक करेंगे। जब आप सर्च वाली पे आइकॉन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने में पूरा यहाँ पे पेज आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, या पंचायत स्थल पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देख करके आप नंबर डाल करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं आपने अपने किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस को। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर इस वीडियो के बारे में या किसी से रिलेटेड आपको कोई शिकायत हो या कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं 100% आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।